खंडवा भारतीय किसान संघ की जिला बैठक आज संपन्न हुई। खंडवा प्रवास पर दिल्ली से पधारे एबीवीपी राष्ट्रीय सह मंत्री श्रीनिवास और प्रांत के उपस्थित भाटिया एवं धर्मचंद जिला अध्यक्ष राधेश्याम चाचरिया और सभी तहसीलों से पधारे तहसील अध्यक्षों के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि खेती को जहर मुक्त बनाई जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण और जल संवर्धन किया जाए। साथ ही खेती बाड़ी में पेस्टिसाइड और उर्वरक को धीरे धीरे बंद किया जाए। साथ ही किसानों को परंपरागत खेती करने पर जोर दिया जाए। पूनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। भाई साहब, आपका परिचय दीजिए। शैलेंद्र सिंह जलोदिया, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री खंडवा। आज बैठक किस उद्देश्य से रखी गई थी? आज हमारे बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीनिवास जी का प्रवास था। इसके निमित्त हमारी जिला बैठक आहूत की गई थी। इसमें उनका उद्बोधन भी प्राप्त हुआ और जिला बैठक में जिले के अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। इसमें हमारे अतुल जी महेश्वरी संगठन मंत्री भी उपस्थित थे एवं प्रांत उपाध्यक्ष जी जवाहराम जी भाटिया भी। और वृक्षारोपण जो अभी और जल संवर्धन संरक्षण को लेकर विषय में चर्चा की गई, जिसकी कार्य योजना भी बनाई गई है। भाई साहब का उद्बोधन रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक किसानी वर्ग के युवाओं को इसमें जुड़ना चाहिए और युवाओं को ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला युवा ही इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए, उन्नति के लिए अग्रणी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।